रूपांतर नाट्य मंच के 50वीं वर्षगांठ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और रूपांतर नाट्य मंच के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय रूपांतर उत्सव का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि साइंटिस्ट व शायर गौहर रजा, प्रोफेसर रामदेव शुक्ला, विनोद सोलंकी, संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर अमृता जयपुरियार सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। उसके बाद अमृता विथिका में लगे प्रदर्शनी का अतिथियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन कर अतिथियों ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि साइंटिस्ट और शायर गौहर रजा और संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर अमृता जयपुरियार ने कहा, भी आगे आ जाइए सर। मैं ये समझता हूँ कि शायरी हो, नाटक हो, कविताएं हो, लेख हो या फिर साइंस हो, ये समाज का अभिन्न अंग होती है। अगर कोई विज्ञान नहीं जानता और विज्ञान में 21वीं सदी में उसका विश्वास और दखल और जानकारी अगर नहीं है तो वो पूरी तरह से सभ्य समाज में मानव। और इसी तरह से अगर हम अपने लिटरेचर को नहीं जानते, अगर हम शायरी नहीं जानते, अगर हम पेंटिंग्स नहीं जानते, अगर हमारा कोई इंटरेस्ट नाटक में नहीं है तो भी हमारा कद इंसान के कद से थोड़ा नीचे है, छोटा है। पूरा इंसान बनने के लिए इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है और सिर्फ हमें ही ज़रूरत नहीं होती है, पूरे समाज को ज़रूरत होती है। आज 21वीं सदी में दोनों बहुत ज़रूरी हैं। एक इंसान को इस तरह इंसान बनाता है कि वो अपनी परंपराएं, अपने आसपास का समाज, उसको किस नज़र से देखना है, कैसे बदलना है, ये सिखाता है। और दूसरी तरफ विज्ञान आगे आने वाली नस्लें क्या करें, क्या करना चाहिए, कैसे हमारा समाज का विकास हो और मानवता का पूरी विकास हो, वो सिखाता है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर भी इस तरह से इसको देखना चाहिए कि हमारे देश के अंदर छोटे 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 अगर लाखों नहीं तो हज़ारों ऐसे ग्रुप्स हैं जो लगातार आर्ट की फील्ड में, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब वो गोष्ठी ही कर रहे हों और मिल के अपनी कविताएं सुना रहे हों, ऐसे लाखों ग्रुप्स हैं। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एक ग्रुप वो मंचन कर रहा है तो उसमें बहुत कम लोग आ रहे हैं।
इस तरह से देखेंगे पूरे देश में ये चल रहा है तो लाखों लोगों तक पहुंच रही है कहीं ना कहीं कला, और बदलने के लिए, आगे ले जाने के लिए समाज को ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता रहे। तो हताश नहीं होना चाहिए कि किसी एक प्रोग्राम में कम हो। आज के युवाओं से कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से अगर इंसान बनना है, अगर एक सभ्य समाज का हिस्सा बनना है, तो नाटक भी ज़रूरी है, गाना भी ज़रूरी है, साइंस भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत शायरी भी ज़रूरी है, और अपने पुरखों को पढ़ना भी ज़रूरी है। और सिर्फ अपने पुरखों को यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी है। जितना हम पढ़ सकेंगे उतना हमारा स्तर मानव की तरह से ऊपर उठ जाएगा। अनुभव ही है और सब अच्छा ही है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा तो नहीं आती हैं। हाँ, दर्शकों का अभाव अब धीरे धीरे हो गया है, क्योंकि बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साधन हो जाने से और लोगों की व्यस्तता अपने काम में ज़्यादा हो गई है, तो नाटकों के प्रति लोगों का रुझान कम है। लेकिन फिर भी जो हमारे दर्शक पुराने हैं वो आज भी नाटक देखना पसंद करते हैं और हम लोगों से पूछते भी रहते हैं कि आपका प्रदर्शन कब होने वाला है। जैसे मैडम के टाइम में जो लोग थे उनके फैमिली मेम्बर्स भी हम लोगों से अभी जुड़े हुए हैं और नाटक के लिए डिमांड करते हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं कि हम उनका हृदय जीत सकें। नाटक मंच में आगे आना चाहिए जी, आते हैं ना युवा, तो अभी चूँकि आजकल टेलीविज़न शोज़ और ये सब ज़्यादा बढ़ गए हैं और रियलिटी शोज़ जो बढ़ गए हैं, मुझे लगता है युवा का फिर से रुझान नाटक की तरफ बढ़ा है, क्योंकि वो शायद इसको एक ट्रेनिंग का हिस्सा मानते हैं या उसको पहली सीढ़ी मानते हैं। हमारे ग्रुप में इस वर्ष बहुत सारे युवा कलाकार जुड़े हैं और हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता है।